हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड जो आप ये नक्शा में आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस गिको, यानी कि छिपकली, जो कि सफेद रंग का या फिर क्रीम कलर का होता है। और ये अक्सर हमारे घर के किसी कोने में, दीवारों में या फिर छत पे, सीलिंग पे कीड़ा मकोड़ा खाते हुए दिखाई देता है, खासकर गर्मियों के मौसम पे। तो इसी छिपकली से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और फ्रेंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये जो छिपकली होता है, ये देखा जाए तो हमारा घर का साफ सफाई का काम एक तरीके से बखूबी से निभाता है, क्योंकि जो कीड़ा मकोड़ा ये खाता है, ये सारे कीड़ा मकोड़ा जो है, जैसे कॉकरोच हो, मक्खी हो, तो ये हमारे घर में गंदगी फैलाता है और कई बीमारियों का कारण बनता है। तो ये सबको ये चट कर देता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये धारणा है कि अगर ये छिपकली लोगों को काट ले या फिर इसका जूठन खाने से, सांप जब काटता है तो उसका जो जहर होता है उतना ही खतरनाक इसका भी जहर होता है, ऐसा लोगों का धारणा है। और फिर अगर ये हमारे खाने में गिर के अगर ये मर जाए और गलती से लोग अगर वो खाने को अगर सेवन करते हैं तो लोगों का मौत होता है, ऐसा भी लोगों का धारणा है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका डंक जो होता है लोगों को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाता है, यानी कि ये जब काटता है, और इसका जूठन खाने से लोगों का मौत नहीं होता है। और हाँ, अगर कुछ कुछ परिस्थिति में अगर ये आपको ज्यादा काट ले तो काटा हुआ जगह में सूजन हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, और फिर हमारे जो चमड़ी के अंदरूनी जगह में एक गांठ जैसा उभर कर आता है, जो कि काफी दर्द होता है उस गांठ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ एडिनाइटिस। तो ऐसा परिस्थिति में आप साधारण सा जो बुखार का गोली, दर्द का गोली ले सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर से संपर्क करके कुछ दिन कोर्स, आप कुछ दिन का एंटीबायोटिक खा के आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी ये अगर आपका घर के आसपास दिखाई दे तो इसको बिल्कुल भी इसको ना छेड़े, इसको ना मारे, और वो जहाँ है वहीं इसको पड़े रहने दे, क्योंकि मैंने पहले ही और फ्रेंड इसके जो शरीर में और इसके जो लाला रस में, यानी कि सलाइवा में, साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु पाया जाता है, जो कि कभी कभी अगर हमारे शरीर पे ये संक्रमण करता है तो फूड पॉइजनिंग जैसा लक्षण हम लोगों में दिखाई देता है। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी हाउस गिको, ये क्यों हमारे लिए, हमारे वातावरण में इसको रहना क्यों जरूरी है, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी। और इससे जुड़ी से वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।